हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी रोज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्चुरी और डेल्टा के बीच में अंतर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो कुछ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं और कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या अंतर होता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्चुरी के बारे में और उसके बाद बात करेंगे डेल्टा के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जीके जीएस फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एस्चुरी जो होती है, हमेशा ध्यान रखना, पहाड़ियों के बीच में जो नदियाँ बहती हैं उनमें बनती है। हम कह सकते हैं कि जब नदी गिरती है, जब नदी सागर में गिरती है तो उसके बीच में दो पहाड़ियाँ होती हैं। जब नदी दो पहाड़ियों से होकर बहती है तो आप श्योर कह सकते हैं कि उनके बीच में एक सक्रिय धारा होगी। और इसीलिए जब नदी दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है और उसी पहाड़ियों से होकर सागर में गिर जाती है, तो पहाड़ियों के होने के कारण वह नदी कई धाराओं में नहीं बटती है। जब कई धाराओं में नहीं बटती है और इसलिए वह एक ही धारा में या वही पुरानी वाली धारा में वह सागर में गिर जाती है, तो इसको हम कहते हैं एस्चुरी। अब बात करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमेशा मैदानी भाग में बनेगा। जी हाँ दोस्तों, जो नदियाँ मैदानी भाग में गिरती हैं या बहती हैं वहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जब नदियाँ मैदानी भाग में बहती हैं और मैदानी भाग में बहकर सागर में गिरती हैं, तो जब वह सागर के किनारे आ जाती हैं तो उन्हें बहुत सारा मैदान देखने को मिलता है, तो वह कई एक धाराओं में बट जाती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि सूखे पेड़ की तरह होती है। अगर आप सूखे पेड़ को नीचे से ऊपर देखें तो जिस प्रकार से सूखे पेड़ में कई एक ऊपर को शाखाएँ होती हैं सूखी सूखी, तो इसी प्रकार से जो नदी होती है वह कई एक धाराओं में बट जाती है, या ऐसे कह सकते हैं जो पक्षी का पंजा होता है नीचे का, उसके तरह से बट जाती है। तो इस प्रकार का जो त्रिभुजाकार होता है या त्रिभुजाकार नदी का आकार बन जाता है, नदी की धारा का आकार बन जाता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। इसका एक और रीज़न होता है कि नदी जब सागर में गिरती है तो सागर में गिरते समय नदी का जो वेग होता है या कह सकते हैं चाल होती है, वह धीमे हो जाती है। चाल धीमे होने के कारण इसकी जो धाराएं वे कई धाराओं में बट जाती है। आप प्रैक्टिकली देख सकते या प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक समतल जगह पे आप पानी फैलाना, गिलास में भर के पानी फैलाना, तो वह पानी कई एक धाराओं में बट के आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को एक ऊँचे से नीचे की तरफ मैदान में फैलाना, तो वह मोस्ट प्रोबेबली एक ही धारा में बहकर नीचे को गिरेगा। तो बेसिकली यही अंतर होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, एस्चुरी में ए से एस्चुरी और ए से ऐसे याद कर सकते हैं, जब धारा सागर में गिरती है, जब नदी सागर में गिरती है तो केवल एक ही धारा में गिरती है। और डेल्टा, डेल्टा में जब नदी बनाती है तो कई एक धाराओं में बट जाती है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस जगह पे गिरता है, किस जगह पे बनता है। दोस्तों, आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो का लाभ भी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।